हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? मस्त, एकदम झकास, एनर्जेटिक। ठीक है, एनर्जेटिक ही रहिए। ठीक, अब हमने कल देख लिया था, इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कर दी थी हमने, एक बड़े ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स देख भी लिए थे कल। ठीक है, चार्ज देखा था हमने, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट अब देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट देखना बाकी है, बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी बाकी है। तो अभी सिर्फ मैंने कल एक फॉर्मेट बताया था आपको कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो कि आप डेली लाइफ में देख रहे हो ना, उससे मैं रिलेट कर रहा था, बस है ना, स्टार्टिंग कर रहा था कि आप डेली लाइफ से रिलेट कर पाओ और फिर आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, फिर चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, फिर हमने बोला कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की मैं बात करी थी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये भी देखा था, कंडक्टर देखा था, इंसुलेटर देखा था। ठीक, उसके बाद हमने सबसे शानदार चीज़ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था, वो इन्फिनिटी से पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाए थे कहाँ पर, उस पॉइंट पर जिस पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना था वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत ही अच्छा वो एक टंकी वाला अपन ने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो टंकी वाले एग्जांपल में आपने देख लिया था, जितना डिफरेंस था उतना ज़्यादा फ्लो चल रहा था, तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में, और पोटेंशियल डिफरेंस के ही कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हो आप, कि स्टार्ट होता है। तो वो आगे हम देखेंगे, ओम्स दादा ने बोला था वो, और वो सब लॉ वगैरह हैं, सब आगे होगा। बस मैं आपको एक फॉर्मेट बताते जा रहा हूँ जिससे आपको टेंशन ना हो इन चीज़ों को लेकर कि यार हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, ये होता क्या है, फलाना फलाना। अपने को रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चलना है, डेली लाइफ से जोड़ के चलना है चीज़ों को, तो समझ में आती है चीज़ें, याद होती है चीज़ें। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस तक अपन कल पहुँचे थे, और पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने बताया था कि चार्ज कितने कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, कितने चार्ज को ले जाने में। तो ये हमारा फॉर्मूला कल हो गया था। ठीक है, V इज इक्वल्स टू ये पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल दोनों को V से ही हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से। ठीक है, तो आप देखो इसी के बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू इच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी मतलब कितनी एनर्जी लग जाएगी। ठीक है, कितनी एनर्जी देना पड़ेगी एक कूलम्ब हर मतलब ठीक है एक कूलम्ब चार्ज को कि उसको 6 वोल्ट बैटरी से मतलब 6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे उसको चलाने के लिए हमको कितनी एनर्जी लगेगी। समझ रहे हो बात को? दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो 6 वोल्ट का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के अक्रॉस। ठीक है, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब उसने बोला है कि कितना वर्क डन लग जाएगा एक कूलम्ब चार्ज को वहां से वहां तक चलाने में। तो चार्ज कितना है, सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, अब देखो अपना ये कितना है, वी 6 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद क्यू कितना है, क्यू आपका है 1 कूलम्ब। ठीक, अब अपने को डब्ल्यू निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू क्या आएगा, वी क्यू। ठीक है, वी कितना है 6 और क्यू कितना है 1, तो 6 ये हो जाएगा अपना जूल में आएगा ना, वर्क जूल में आ जाएगा। ठीक है, वर्क मतलब क्या, एनर्जी, वर्क मतलब क्या, एनर्जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आया आंसर, 6 जूल। कितना, 6 जूल आपका वर्क डन करना पड़ेगा एक कूलम्ब चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ले जाने में, 6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे ले जाने में। ठीक है, तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या मतलब, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर निकलेगा, किसी दो पॉइंट में, क्योंकि रिस्पेक्टिव बात होती है, किसी एक के ऊपर क्या डिफरेंस निकालो, किसी के ऊपर तो फिर एक के ऊपर तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी। चलो एक पॉइंट ए है, बी है, एक पे पोटेंशियल ए मतलब ए का पोटेंशियल अलग है, बी का पोटेंशियल अलग है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जब निकाला हमने तो 6 वोल्ट आया। कितना आया, 6 वोल्ट। ठीक है, तो 6 वोल्ट निकाला हमने, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, हमने एक कूलम्ब चार्ज को उठा के करा वर्क डन देखा तो इतना आया। ठीक है, 6 जूल का वर्क लगेगा, जूल मतलब वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी की होती है जूल, वर्क जूल। ठीक है, उस हिसाब से करेंगे। ठीक, अब ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब थोड़ा बहुत आपको बताया था, अब हम पर्टिकुलर उसके ऊपर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक करंट की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, मतलब डेफिनेशन क्या, किस कारण इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मतलब ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल दे बोथ एक्वायर द सेम पोटेंशियल। ठीक है, सो ये क्या था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज का फ्लो होता है, और चार्ज के फ्लो को ही हम वैसे पोटेंशियल डिफरेंस कारण करंट का फ्लो होता है। ठीक है, करंट का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो बोल दो तो करंट आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलो, दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके, सो दो पॉइंट पे ये आपका ये बनाया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपका सर्किट। ठीक है, ये कोई भी रेजिस्टेंस लगा बीच में,
ठीक है, ये सर्किट सिर्फ ये सर्किट इसलिए बता रहा हूँ आपको फील आएगा थोड़ा सा, ठीक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आपका सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वी है, इसका ये पर्टिकुलर मैंने क्या बोला था वो ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो ए पॉइंट का वी है और नेगेटिव अलग क्या लेंगे आप, जीरो लेंगे, ठीक। तो वी माइनस जीरो कितना आ जाएगा आपका, वी माइनस जीरो आपका आ जाएगा वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूरी बैटरी का क्या हो गया, पूरी सेल का क्या हो गया, V हो गया, ठीक है। तो करंट किधर से बहना चालू कर देगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, याद रखना हमेशा करंट किधर से बहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। और मैंने क्या बोला था कि करंट किसके अपोजिट डायरेक्शन में बहता है, अपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से बहेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव चलेंगे और करंट किधर चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये याद रखना, ठीक है। ये V का V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हमने, वैसे ही करंट फ्लो होना चालू कर दिया, ठीक है। तो किधर से जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट जाएगा आपका, ठीक है। ये तो आपका वो सर्किट की बात, तो यही होता है, ऐसे फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। तो वही डेफिनेशन का मतलब है कि जब आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तभी करंट, तभी चार्ज फ्लो होगा और तभी करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, व्हाट इज क्यू, क्यू होता है चार्ज अपॉन टी, ठीक है। कितना चार्ज एक पर्टिकुलर समय में, ठीक है, क्यू बाय टी का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चार्ज, सीधी बात करें तो रेट ऑफ चार्ज, कोई भी चीज़ को अगर आप टाइम से डिवाइड करोगे ना, आगे भी 11 12th में भी देखोगे आप, डेरिवेशन करो कुछ करो, तो जब भी टाइम से डिवाइड करोगे तो रेट निकलेगी। तो मतलब रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज, मतलब किस रेट से बह रहा है चार्ज, उसी को हम बोलते हैं करंट, किस क्या बोलते हैं करंट, क्यू बाय टी, समझ में आ रही बात, ठीक। उसके बाद इसका करंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर, क्या होती है एम्पियर, एम्पियर जिसको कि हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक। और क्यू बाई टी मतलब क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बोल सकते हो करंट को और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक डेफिनेशन ये हो जाएगी। एक ये कि जब आप, ये मैंने ये बताया कि कैसे होता है, तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो किसी दो पॉइंट के बीच में, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है तब फ्लो ऑफ चार्ज शुरू होता है और तभी करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी करंट होता है, उसकी ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, कितनी होती है एम्पियर, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ कि अगर हमको मान लो कि एक एम्पियर का करंट मिला है, एक मान लो कि एक एम्पियर का करंट मिला, अब मेरे को इसको डिफाइन करना है कि भैया इसका कैसे डिफाइन करूंगा कि एक एम्पियर का करंट कब मिलेगा हमको, तो कब मिलेगा सुनो, वो वन कूलम्ब ऑफ चार्ज पासेस इन वन सेकेंड, ठीक है। एक कूलम्ब, क्योंकि यहाँ भी वन होगा, यहाँ भी वन होगा, तभी तो वन इज इक्वल टू वन आएगा, मतलब करंट की वैल्यू हमारी वन कब आएगी, जब ये भी वन होगा, ये भी वन होगा, ठीक है। तो जब एक कूलम्ब का चार्ज किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकेंड में पास होता है, ठीक है, जित वन कूलम्ब ऑफ चार्ज पासेस इन वन सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो वायर रहता है वो सिलेंड्रिकल रहता है, ठीक है, वो बहुत छोटा रहता है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाकी कोई भी वायर कैसा रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है, तो सिलेंड्रिकल का क्या रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा 3D में देखने की कोशिश करें तो ये तो नहीं आएगा बनाते जहाँ तक, ठीक है, ये इस तरीके से रहता है, ये आपका ये वायर को मतलब ये कटा हुआ वायर, ठीक है, वायर का मुंह ये रहा, ये वाला क्या है, वायर का मुंह है, बाकी ये वायर कंटिन्यू चलते जा रहा है इधर ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ, ये पूरा सर्कल रहता है, ठीक है, अभी अपने को दिख नहीं रहा है, बाकी सर्कल रहता है, सामने से देखेंगे तो एकदम, ये हम साइड से देख रहे हैं अभी, तो ये पूरा सर्कल रहता है, ठीक है। तो इससे जस्ट इस एरिया से एक सेकेंड में ठीक है, एक सेकेंड में और एक कूलम्ब चार्ज जब पास होगा, जस्ट एक सेकेंड में एक कूलम्ब चार्ज पास होगा, उसी को हम बोलेंगे क्या, वन एम्पियर। और हमने देख लिया था कि वन कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो उतने इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻¹⁸ कुछ था ना, तो वो इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे सिर्फ ये पर्टिकुलर एरिया से एक सेकेंड में, तब हमको मिलेगा कितना करंट, वन एम्पियर करंट मिलेगा, कितना मिलेगा, वन एम्पियर करंट, ठीक है। ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमको पता चल गया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डायरेक्शन हमको पता चल गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहते हैं, ठीक, कौन बहता है, कौन इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रॉन किधर से, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ये भी हमको समझ में आ गया, सब चीज़ से सेटिस्फाई हो गए हम। अब एक बात कि हमने उधर देखा था कि यार पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था हमने, हमको पता चल गया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो हमको फिर हमने सोचा कि यार कुछ गैजेट तो हो जिससे हम पता लगा पाए कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे किससे क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी सेम, उधर हमने वोल्ट मीटर निकाला था तो इधर एमीटर निकालेंगे, ठीक है, एम्पियर एमीटर, समझ रहे हो, करंट किससे नापते हैं, एमीटर से नापते हैं, ठीक है। तो एमीटर क्या होता है, देखो एमीटर क्या होता है,
ऐसा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बोल लो एक जो भी, ठीक है, तो जो कि करंट को नाप सकते नाप सकता है या फिर नापता है, ठीक है, तो वो कहाँ लगाते हैं हम, कहाँ लगाते हैं, सीरीज में, किसके साथ, सर्किट के, सर्किट के साथ। भाई हम सब सर्किट के साथ क्यों बात कर रहे हैं भैया, सर्किट में ही तो ये सब चीज़ों को काम है। सर्किट बनाओगे तभी आपका करंट फ्लो होगा, क्योंकि अपने क्या कोई अप्लायंसेस चलाना है, और अप्लायंसेस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और कुछ नहीं होता, रेजिस्टेंस होता है। मतलब अगर मैं ये कर बना दूँ ऐसा कि ये बैटरी लगा, ये भी क्या है, सेल है, ठीक है, तो सेल लगा दी मान लो, तो ये रेजिस्टेंस है, मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ अप्लायंसेस है, अप्लायंस है, मतलब कुछ ना कुछ, जैसे बल्ब है आपका, कुछ ना कुछ लगा है, मतलब ऐसा, ठीक है, तो ये होता है। और सर्किट पे ही बात करना है, क्योंकि सारी चीज़ सर्किट पे ही करना है हमको अप्लाई, कि भैया हमको मान लो कि हमको पता करना है कि यार सर्किट तो हमने लगा दिया, चलो सर्किट तैयार है, अब पता करना है करंट कितना फ्लो होगा यार इसमें, तो अब क्या देखेंगे हम उसमें कि भैया इसमें पहले पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या पता लगाएंगे कि वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा उसके लिए, कि भैया चलो वोल्ट मीटर लगा दो तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, फिर आपने करंट फ्लो, अरे भैया करंट तो फ्लो होने लगा पर पता ही नहीं चल रहा करंट कितना फ्लो हो रहा है, फिर बोला कि चलो एमीटर लगाओ, फिर अब मतलब चीज़ें लगानी पड़ेगी ना, तो एमीटर लगाओ, तो एमीटर लगाया फिर उसमें ही सर्किट में, ठीक है। पर अब हमने देख लिया था वहाँ पर कि पोटेंशियल, वो अपना वोल्ट मीटर कैसा लगा था, हमने पैरेलल में लगा था, अब इसको किधर लगाना, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, बहुत अच्छे समझाया कल मैंने, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसको देखो, ठीक है, वो बहुत अच्छे समझाया था कॉन्सेप्ट क्या है पैरेलल में लगाने का। अब इसको हम किधर लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, किधर लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या होता है, सीरीज मतलब क्या, एक साथ, ये ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल बहुत अच्छे से, ठीक है, अभी सिर्फ सुन लो क्या होता है, बस सुन लो सब कुछ, मतलब आपको लास्ट तक पूरी चीज़ें दिखने लगेगी कि हाँ एक्चुअली ऐसा 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 हो रहा है, ठीक है। सो सुनो, अभी एमीटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एमीटर को कैसे लगाएंगे हम, एमीटर को हमने कैसे लगा दिया, सीरीज में लगा दिया, ठीक है, ये सर्किट है आपका, ये ऐसा जा रहा था, ये ऐसा, यहाँ पे हमने क्या लगाया था कल, वोल्ट मीटर लगाया था, क्या लगा दिया था कल हमने, वोल्ट मीटर लगा दिया था, ये और ये ऐसा था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सो आज हम किसी बात करेंगे सिर्फ, ये अब देख लो, चलो वोल्ट मीटर भी लगा दो, उसको भी एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एमीटर की पहले बात कर लेते, तो एमीटर काय में लगता है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के साथ में है, तो मतलब क्या है, सीरीज में, कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सेकेंड थिंग, इसका रेजिस्टेंस कैसा लेंगे हम, बताओ इसका रेजिस्टेंस कैसा लेंगे, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम लेंगे, क्यों, क्योंकि सीरीज में है। अब मेरी बात सुनो, पॉजिटिव से निकलता है हमारा करंट, मैंने बोला है ना, और नेगेटिव पे जाता है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जाता है। अब ये वाला रास्ता तो सिर्फ रेजिस्टेंस को, हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस से पास करना रहता है किसको, करंट को, तो रास्ता तो सिर्फ एक ही है, ऐसा तो नहीं है दूसरा रास्ता है जो कि अपने उधर से निकाल दें हम करंट को कि ताकि हमको रेजिस्टेंस पे पहुंचा के निकाल दें, जाना यहाँ से जाना ही है इसको, और हमको अगर करंट नापना है तो करंट को इससे पास करवाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो करंट को इससे पास करवाना ही है क्योंकि इसको हमको करंट की वैल्यू को नापना है, ठीक है, मेजर करना है करंट को, तो यहाँ से पास करवाना ही पड़ेगा। अब हमारा करंट अगर इसको अपन रेजिस्टेंस दे देंगे, इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस दे दिया या अच्छा खासा रेजिस्टेंस दे दिया, तो ये करंट को अपोज भी करेगा, मतलब वहाँ पे हमारा क्या होगा, लॉस होगा, लॉस होगा किसका, करंट का लॉस हो जाएगा हमारा, हमको लॉस नहीं चाहिए, सिर्फ उसको मेजर कर दे भाई तेरा इतना काम है, अपने को क्या है कि भैया तू आया है तो काम कर दे, तेरे को नापना करना है वो कर दे और वापस चले जाए, बाकी तू लॉस मत करे कुछ, तो अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा दिया तो ये क्या करेगा, लॉस कर देगा, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या रखते हैं हम, एकदम को लो, एकदम बिल्कुल लो, ठीक है। और वोल्ट मीटर का क्या करते हैं, अब वोल्ट मीटर अलग बैठा है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर से हमको हमारी हमारी इच्छा के अनुसार काम करवाएंगे, हमको यहाँ पे करंट नापना था तो करंट को हमने एमीटर से पास करवाया, वोल्ट मीटर से हम करंट को नापते हैं क्या, नहीं, क्या नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ पे, दो पॉइंट पे, जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वहीं यल, इससे जो प्लस से जुड़ा हुआ है ना वायर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मान लो ये ए और बी पॉइंट, तो ए पॉइंट भी यहाँ पे आ जाएगा और यल अब बी पॉइंट जुड़ के यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हो, मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव है पोटेंशियल तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव, इस तरीके से, ठीक है। सो हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर क्यों लगाया, क्योंकि हमको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है इन दो पॉइंट के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस नापना है मतलब क्या, करंट से मतलब है क्या यहाँ पे अपने को, कि भैया करंट पोटेंशियल डिफरेंस पहले नापो फिर करंट फ्लो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले नापेंगे हम, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर किधर लगाया अपने, पैरेलल लगाया, अब पैरेलल में लगाया, अब आपको करंट इससे फ्लो करवाना है कि नहीं करवाना है, तो भैया रेजिस्टेंस बढ़ा दो, रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे ऑब्स्टेकल बहुत सारे बढ़ा दोगे, आप आओगे नहीं उस रास्ते पे, करंट उस रास्ते पे जाएगा ही नहीं, ठीक है, उस रास्ते पे करंट
इधर से जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया आपने, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया किसका, वोल्ट मीटर का, इसलिए करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा। करंट कहाँ से फ्लो होगा, सीधा जाएगा करंट उसका, ठीक है बात समझ में आ रही है। अगर इसका रेजिस्टेंस कम कर दोगे ना तो करंट इधर से जाएगा क्योंकि इधर भैया उसको डचके कम लगेंगे, इधर डचके ज्यादा लगेंगे। अभी देख लो हमने इधर डचके बहुत बढ़ा दिए हैं और यहाँ पे डचके कम है, तो करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, यहाँ पे डचके नहीं लगना चाहिए करंट को, नहीं तो लॉस हो जाएगा, कोई गिर जाएगा बाइक से, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये होता है वोल्ट मीटर और एमीटर। देखो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है, करंट के ऊपर। अब देखो ये क्या है न्यूमेरिकल, क्या एकदम बच्चों वाले न्यूमेरिकल रहते हैं यार ये, ठीक है, देख लो एक बार देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, हमेशा देखो ये पॉइंट की बात वाली है ना, मैथ की चीज़ें बता रहा हूँ, 0.335, तो इसको 35 नहीं पढ़ना, 0.35 नहीं पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, पॉइंट इसके बाद पर्टिकुलर वैल्यूज, 3 और 5, इनका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, आपस में, इनका सिर्फ इनका पर्टिकुलर पहचान है, 0.35, तो क्या पढ़ोगे यहाँ पे, 0.25, ठीक। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फ्रॉम फॉर 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट के लिए इतना करंट फ्लो हो रहा है किसी इलेक्ट्रिक बल्ब से, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, बस अरे क्या है, बल्ब से हमको चार्ज निकालना है कि चार्ज कितना फ्लो होगा, इतना करंट फ्लो रहा है इतने टाइम तक, तो कुछ भी नहीं, हमको पता ही है कि I=2 रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q बाय T, क्यू क्या है पता लगाना है, करंट पता है आपको, करंट पता है आपको, ठीक है, टाइम पता है आपको, टाइम पता है, बट मैंने इसमें फॉर्म जब इसकी यूनिट बताई थी तो क्या था, कूलम्ब पर सेकेंड, क्या था, सेकेंड, तो चार्ज तो आपका कूलम्ब में फाइंड होगा, ठीक है, और ये तो एम्पियर में रहेगा आपका कौन, करंट, और तो ये बाकी सेकेंड में लेना है, यहाँ पे टाइम किस में दिया है, मिनट्स में दिया है, तो सबसे पहले इसका कन्वर्जन कर लेते थे, 20 into 60 second, ठीक है, 20 into 60 second, तो 6 × 12 1200 second, ठीक है, समझ में आ गई बात, 1200 second। अब लगा दो फार्मूला, C=I×T हो जाएगा, ये T को हमने उधर पहुंचा दिया, C=I×T, क्योंकि C हमको फाइंड करना है। अब I कितना आपका 0.25, T कितना है 1200, ठीक है, ये 20 से ये पॉइंट उड़ जाएगा, ठीक है, 12×5=60, 6 × 12=24=30, कितना हुआ, 300 कूलम्ब, क्या आया, चार्ज आया आपका, क्या आया, चार्ज कितना आया, कूलम्ब, 300 कूलम्ब, ठीक है। तो ये हुआ आपका ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत ही ईजी रहता है, बात याद रखनी है हमेशा, यूनिट्स पे ध्यान दो, यूनिट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं तो ये डायरेक्ट कर दोगे आप कि ये भैया इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, IT कर देंगे तो सी निकल आएगा और हो जाएगा भैया खेल खत्म, हो फिर तो काट देंगे, उनको मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी जो यूनिट है ना, हमेशा यूनिट के हिसाब से करा करो, यूनिट ध्यान रखा करो कि कूलम्ब पर सेकेंड है, ये मत रख के रट के चले जाना कि भैया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब थोड़ा एडवांस बनने के चक्कर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आपने बहुत अच्छी बात है कि आपको याद है, पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, पर रेट जो रहती है, जो टाइम रहेगा, टाइम को सेकेंड में लेना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि टाइम को सेकेंड में लेना है, ठीक। सो देखो हमने अब एक बात कर लेते हैं, हमने एक सर्किट बना लिया, मतलब दिमाग में एक सर्किट बन जाना चाहिए, ठीक है, सर्किट बनाना आपको सिखा दे कैसे बनता है, वो आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पर एक चीज़ों को याद रखने के लिए कि भैया हमने वोल्ट मीटर पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, हमने उसके बाद एमीटर पढ़ा, हमने करंट का फ्लो करवाया, तो ये चीज़ें एक फ्रेम बनती है ना जब दिमाग में, तो चीज़ें याद रहती है, ठीक है, चीज़ों को रटना नहीं है, याद करना है, याद क्यों करना है, याद मतलब समझना है, समझना क्यों है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ है भैया, मतलब ये लाइफ में हो रहा है, डेली लाइफ में आपकी ये हो रहा है ये चीज़ें, तो आपको ये नजर आना चाहिए और तभी ये चीजें समझने का मतलब भी है, ठीक है। सो हमने देख लिया सबसे पहले शुरुआत से सब देखते देखते आए हैं सब पूरा सर्किट में, अब हमारे पास क्या क्या इकट्ठा हुआ है, कि रेजिस्टेंस तो अपने लगाया था, ठीक है, वोल्ट मीटर भी लगा दिया, एमीटर भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा दिया। अब क्वेश्चन आता है, एक बात मेरे को बताओ कि आप, मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या है आपका, क्या है, करंट फ्लो है, मतलब चार्ज का फ्लो है, करंट का फ्लो है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप तो ये बोल दोगे कि सर ये टंकी थी आपकी, ठीक है, ये टंकी अपन ने एग्जांपल लिया था, ये टंकी थी, ये यहाँ से कनेक्शन था इसका, ये टंकी थी, यहाँ से ऐसा कनेक्शन था, ठीक है, ये ओपन था, ठीक, तो यहाँ से ये था अपना पानी, इधर फ्लो होने लगा, जब ये पानी दोनों बराबर पे आ जाएंगे, मान लो ये फिर यहाँ, ये पूरा ऊपर से नीचे तक आ गया, ये यहाँ आ गया, मान लो कि ये इस लेवल पे आ गया और ये भी इस लेवल पे आ गया, अब क्या होगा,
ऐसे में तो फिर हमारे ट्यूबलाइट और ये बंद होना चाहिए, मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे, जीरो हो गया, जीरो ये भी वी बाई टू हो गया, ये भी वी बाई टू हो गया, दोनों बराबर हो गया, मतलब डिफरेंस इनका क्या हो गया, जीरो हो गया। अब टंकी में फ्लो इधर से उधर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ पानी बराबर आ गया। तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया अब क्या करें, तो उसके लिए ही बनी है बैटरी सेल वगैरह वगैरह। ये जो बना है ना सेल, देखो सेल क्या होता है, ये होता है सेल का सिंबल, ठीक है, ये सेल हुई। अब इसी में बैटरी, आगे पूरे सिंबल देखने वाले हम, ठीक है, बहुत सारे सिंबल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी क्या, बैटरी। जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स मिल जाती है तो क्या बन जाती है, बैटरी। ये हुई बच्चों वाली डेफिनेशन, ठीक है, और यही रखना है अपने को याद भी, क्योंकि यही होता है। बड़े सिरे को हम पॉजिटिव देते हैं, छोटे को नेगेटिव देते हैं। बैटरी में क्या देखेंगे हम कि पहला इधर का सबसे इधर का सिरा, सबसे इधर का सिरा, एक पर बड़ा मिलेगा एक छोटा मिलेगा, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा जब सेल्स मिलती है तो क्या बनाती है, बैटरी बनाती है। तो देखो ये सिंपल सी बात है कि बैटरी और सेल का काम क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। क्या करना, उनका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। मेंटेन इन द सेंस कैसे रखेंगे, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है जो इलेक्ट्रोड और पता नहीं कैथोड फलाना फलाना, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। ये बैटरी और सेल पढ़ी होगी आपने, आप पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखने के लिए जो केमिकल रिएक्शन चलती है, तो आप बता सकते हो कि केमिकल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मेंटेन इन सर्किट। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है, ठीक है, किसके कारण, आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है किसके अंदर, बैटरी और सेल के अंदर, जिसके कारण ये होता है। अब एक ड्राई बैटरी की बात, ड्राई सेल की बात कर ले, तो 1.5 वोल्ट का उसका क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये जनरल सी बात है, रटने वाली चीज फेक टाइप है, ठीक है। तो ये हुई हमारी बात किसकी, कि भैया हमने करंट को भी कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा दिया, करंट भी फ्लो हो गया अपना, हमने करंट भी सीख लिया, हमने वोल्ट मीटर भी सीख लिया, एमीटर भी सीख लिया, उसके बाद हमने उधर क्या भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये भी सीख लिया, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये भी सीख लिया, और उससे भी पहले ये सर्किट की बात हुई, उससे भी पहले हमने क्या सीख लिया था, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर कंडक्टर पढ़ लिया था। उसके पहले हमने देख लिया था इलेक्ट्रिक करंट और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी देख लिया था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के हमने एग्जांपल तक देख लिए थे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल क्या थे, हमारा कॉम्बो वाला सिस्टम। अब कॉम्बो वाला सिस्टम में हो क्या रहा था भैया, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था, पर चार्ज सरफेस पे तो आएगा, सरफेस पे कैसे आया था, हमने क्या दी थी, एनर्जी किसको दी थी, हर पूरा यूनिवर्स किससे बना है, एटम से बना है, हमने एटम को एनर्जी दी, और एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन था किसको एनर्जी मिली, उसको एनर्जी मिली, किसको, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, जो कि एनर्जी जिसको एनर्जी जिसने एनर्जी को गेन किया और एनर्जेटिक होके बाहर आ गया, बाहर आके कौन सा था, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि एटम में आइट साइड क्या रिवॉल्व करते हैं, एटम के बीच में रहता है न्यूक्लियस, आइट साइड रिवॉल्व करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, और एटम न्यूक्लियस जो एटम का न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर क्या रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात समझ में आई, तो ये बातें समझ में आना चाहिए, चीज़ें समझ में आना चाहिए, सिस्टम समझ में आना चाहिए। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको पूरा रिलेट करो, पूरा रिलेट करो, रिलेट करके चलना है तभी पढ़ने में फिजिक्स मजा आएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन रखता है, कोई तो होना चाहिए मेंटेन करने के लिए, तो सेल और बैटरी क्या काम किए, यही काम किए। बात समझ में आ रही, अब चलते हैं आगे, आ जाइए। देखो डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं। देखो हम हर चीज़ पे थोड़ी थोड़ी बात कर चुके थे, फिर हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ पहले देख लिया था, अब हम डिटेल में देखते जा रहे हैं। तो ये डिटेल में अब हम देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट हम पहले देख चुके हैं, ये आपको ये पता है कि भैया चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ये चीज़ हम अब देख लेते हैं क्या होता है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन इन द सेंस, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, थ्रू आउटर सर्किट ऑफ सेल और बैटरी। मतलब क्या, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब पहले से चलती आ रही है, पहले से ये है कि भैया पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट की डायरेक्शन होगी। क्या हुआ था कि पहले क्या रहता था कि थोड़ा सा, मतलब पहले जब इसका इन्वेंशन किया था, या बोल सकते हो कि जब इसको डिफाइन किया था, तब यहाँ पे क्या था कि पता नहीं था कि यार नेगेटिव चार्ज का कोई, तब वो नहीं था कि यार नेगेटिव चार्ज भी है, कि नेगेटिव चार्ज भी फ्लो होता है जिसके कारण हो रहा है ये। उनको क्या लगता था कि यार ये पॉजिटिव, उनको ये पता चल गया था कि हाँ ये बड़े टर्मिनल से छोटे की तरफ जाता है ये, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट आपका फ्लो हो रहा है, ये डिफाइंड था, ये चीज़ पहले से डिफाइंड थी, कन्वेंशनल डायरेक्शन, ठीक है, ये पहले से ये डायरेक्शन थी,
ठीक। उसके बाद पता चला है, बाद में पता चला कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही निकल सकता है अपने एटम से बाहर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ही निकल सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, उनको एनर्जी देने की जरूरत है बस, और जो न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, वो कभी बाहर निकल नहीं सकता। तो ये चीज़, ये थ्योरी बाद में आई कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही फ्लो कर सकता है। तो फिर पता चला कि यार ये तो डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तो ऐसी हो नहीं सकती, क्योंकि हम तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं। तो फिर डिफाइन हुआ कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव चलेंगे और करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा। इस तरीके से ये चीज़ डिफाइन हुई है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो इसलिए ये बोलते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन रहता है वो अपोजिट रहता है किसके, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के। ठीक, अब सेकेंड थिंग कि आगे आप पढ़ोगे कि पॉजिटिव आप मतलब जनरली आपको क्वेश्चन में वो दे देगा डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आपको मतलब उसने ऐसा दे दिया कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है तो आपको पता चल जाएगा करंट की डायरेक्शन किधर रहेगी, इधर रहेगी। मैंने बोल दिया कि अपोजिट रहती है, और ये भी आप देख चुके हो, द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ एवर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव रहता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। आप पॉजिटिव नेगेटिव तो हम देख ही सकें, देख ही चुके हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, एक ये बड़ा वाला था, एक छोटा वाला था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव से नेगेटिव कौन चलता है, करंट चलता है, बट नेगेटिव से पॉजिटिव कौन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को हमको कहीं शो नहीं करना है, ठीक है, हमको करंट से मतलब है। अब एक बात कि ये तो आपने देख चुके हो कि भैया पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है ये वो। अब आप आगे क्वेश्चंस में देखोगे कि यार आपको जनरली इलेक्ट्रॉन मतलब डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन नहीं देगा, आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए वो बोल दे अगर कि ये डायरेक्शन आपके इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन है और ऐसा 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 हो रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए यहाँ से कि आपके करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, किधर होगी, इधर होगी, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब अगर वो बोल दिया उसने क्वेश्चन में कि आपके पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन इधर है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में फ्लो नहीं करता है, बस वो आपको सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो अपोजिट चलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव अगर इधर चल रहा मतलब करंट भी इधर चल रहा, पॉजिटिव के डायरेक्शन में करंट चलेगा। क्यों? क्योंकि करंट अपोजिट चलता है इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट कौन चलता है, पॉजिटिव चार्ज भी चलता है। तो मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव पास पास आएंगे, मतलब क्या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जो अपना इलेक्ट्रॉन अपना जो चार्ज अपना करंट रहता है, करंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में बहता है, तो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज और करंट की डायरेक्शन एक होती है, और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो यहां से आपको ये चीजें समझ में आना चाहिए, ये एक चीज समझ में आ गई आपकी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये चीज आपको समझ में आ गई। सेकंड चीज से आप सेटिस्फाई हो गए हो कि हुआ कैसे है, क्या है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, ज्यादा घुसना मत, सिर्फ जो चीज है वो ध्यान रखो कि पॉजिटिव से नेगेटिव हमको करंट को फ्लो करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से हमको उतना कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे शो करना है आपको सर्किट में कि परेशान होना, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हमको मतलब है किससे, करंट की डायरेक्शन से। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कंडक्टर के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बना के देख लेते हैं कि क्या हो रहा होगा, दो मिनट। ठीक, रेंडमली अभी क्या है, ये रेंडमली जनरली मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, जनरली मतलब कोई कंडक्टर सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं है, कहीं से कहीं तक वो उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अभी तक अप्लाई नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा इधर मुंह कर रहा है, ये इधर मुंह कर रहा है, ये इधर मुंह कर रहा है, ये इधर मुंह कर रहा, ठीक है, ये इधर मुंह कर रहा है, ये इधर मुंह कर रहा, ठीक, ये बात समझ में आ गई है। तो ये क्या है, रेंडम मूव कर रहा है इधर उधर कहीं पे भी, ठीक है, पर ये फ्री है, ठीक है, समझ में आ गया कि ये फ्री है कंडक्टर के अंदर। अब मैंने उस पर क्या किया, इसी कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूंगा। ये मान लो कि ये मैंने इसको किससे जोड़ दिया, आपकी सेल से जोड़ दिया, या इसको एक और जोड़ दो तो ये बैटरी हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी बैटरी, हो गई आपकी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। सो अब क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सभी एक लाइन में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये किधर फ्लो करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, मतलब इन सबकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया, किधर हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी, किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करने लगेंगे, इधर फ्लो करने लगेंगे, किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो हमारा करंट किधर प्रोड्यूस होगा, करंट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये बात समझ में आ गई है। ये रैंडम
थे, ठीक है। अब जैसे हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, इनके ऊपर एक फोर्स लगा, ठीक है, कि भैया चलो इधर खाने को मिलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, हाई वोल्टेज, ठीक, चलो फटाफट, तो निकले ये लोग, ठीक है, काम से फटाफट, ये फर्जी थे, घूम रहे थे, ठीक है, इधर उधर घूम रहे थे, इनको जहाँ पता चला कि इधर खाने को है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे लग चुका है, हमारे पास तो जीरो है, यहाँ पे वी वोल्ट है, चलो भाई चलो खाने को मिलेगा, चलो निकल गए, सब लाइन में लग गए, लाइन से जा रहे हैं चुपचाप, ठीक है, तो लाइन से जा रहे हैं, मतलब सब पे एक जैसा फोर्स लग रहा है और एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके फ्लो के कारण हमारा फायदा हो रहा है भैया, हमारा फायदा हो रहा है, हमारी बिक्री हो रही है, हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बात समझ में? तो इस तरीके से करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की ओर। अब देखो सर्किट भी हम थोड़ा थोड़ा देख चुके हैं, मतलब क्या हो रहा है, चीजें हम थोड़ी थोड़ी देख चुके हैं, मतलब देखना भी जरूरी है, ठीक है, फील लाने के लिए कोई भी चीज सडन आपको मैं बताऊंगा, डायरेक्ट बोल दूंगा कि चलो इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं, ये सर्किट ये होता है, ये होता है, क्या समझ में आएगा आपको, मैं सर्किट में फटाफट लगा दूंगा वोल्ट मीटर एमीटर, अब आपको फील आएगा, अब आपको पता है कि वोल्ट मीटर एमीटर किधर लगते हैं, क्या होता है, सर्किट भी कैसा होता है, तो सब मतलब आपको बता दूं, आपको 80% आप सर्किट पढ़ चुके हो, आपको अब तक 20% और 80% आपको पता भी नहीं चला कि आपने पढ़ ली। ओके, सो अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि आपको पूरा ही पता है, जहां तक मेरे हिसाब से 80% नहीं 100% आपको पता है, देख लो फिर भी एक बार। कंटिन्यू कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब डीसी एंड अ स्विच द टू टर्मिनल ऑफ अ सेल और स्विच बिटवीन आएगा बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कॉल्ड अ सर्किट, ठीक है, यहाँ पे बिटवीन आ जाएगा बीच में, ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं है, सर्किट क्या है, सर्किट भैया एक तो एक ये वायर वायर हो जाता है, एक तो पूरा ये वायर हो जाता है, ठीक है, सेकेंड एक बैटरी या सेल लगा दी, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा, यहाँ से हमको क्या करना है, इसमें करंट फ्लो करवाना है, क्योंकि हमको क्या करना है, ये बल्ब को जलाना है, ये बल्ब को अगर जलाना है तो क्या करना पड़ेगा, करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, किसमें, सर्किट में, तो सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती है, ये क्या रहता है, ये स्विच का सिंबल है, मतलब स्विच अगर ऐसा बना है, मतलब ये ओपन स्विच है, मतलब अभी तक सर्किट कंप्लीट नहीं किया है हमने, और ये अगर नीचे बीच में डॉट लगा दिया, मतलब हाँ चलो आपने बटन दबा दी, स्विच चालू कर दिया, मतलब ये हुआ क्लोज्ड स्विच, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड, ये अभी यहाँ पे क्या है, जाने की जगह है, ओपन है, ये हुआ क्लोज स्विच, ठीक है, मतलब होता क्या है कि आप जब बटन आप क्या बोलते हो, बंद कर दो, चालू कर दो, तो इससे मत जज करना इस सर्किट को, ठीक है, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, जब आप इसको बटन को बंद करते हो ना, जब आप बटन को बंद करते हो तो अंदर जो रहता है वो ओपन होता है, क्या होता है, ओपन स्विच होता है, जिसके कारण कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है फ्लो बंद हो जाता है, ठीक है, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, ठीक, और बाहर अगर आप इसको अगर आप चालू करते हो, ठीक है, तो अंदर क्या होता है, क्लोज होता है, क्या होता है, स्विच क्लोज होता है, ठीक है, अंदर ये अपने बोर्ड के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होता है ना, जिसके अंदर ऊपर बटन्स लगी रहती है, बोर्ड के अंदर की बात कर रहा हूँ, अंदर ये होती है, इसको क्लोज बोलते हैं, इसको ओपन बोलते हैं, बाकी आप जो बोलते हैं उससे मत लेना, ठीक, तो अगर आपने स्विच को क्लोज किया है, स्विच को क्लोज किया मतलब क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया, मतलब क्या कि स्विच सिर्फ इतना सा काम कर रहा है कि ये वायर को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है, क्या करता है, ये वायर को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है स्विच, अगर आपने स्विच क्लोज है तो मतलब ये वायर जुड़े हुए हैं, मतलब करंट का डायरेक्शन दे दी उसको, पोटेंशियल डिफरेंस हमने वी पहले ही अप्लाई कर दिया, इस पे भी वी है, इस पे भी वी है, तो फ्लो हो जाएगा, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया पर करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमारा कंडक्टर कंप्लीट अपना सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने ओपन लगाया, ओपन स्विच क्या करेगा, ओपन स्विच आपका ये वायर और ये वायर को डिस्कनेक्ट कर देता है, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, ठीक है, तो ये सर्किट को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट सर्किट, ठीक है, और ये इनकम्प्लीट सर्किट बोल दो, ठीक है, कंप्लीट सर्किट में आपको समझ में आ गया क्या क्या रहता है, कि बैटरी या सेल ले लेते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, सेकेंड एक स्विच ले लेते हैं, ठीक है, जो कि ओपन क्लोज मतलब सर्किट को ब्रेक या सर्किट को कंटिन्यू करता है, ठीक है, उसके बाद हम एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, रेजिस्टेंस इन द सेंस, रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस कोई भी अप्लायंस, किसी भी अप्लायंस को रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है, तो ये अप्लायंस ले लिया हमने, बल्ब ले लिया, यहाँ पे देखा हमने करंट फ्लो नहीं हो रहा था क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं था, यहाँ पे ओपन था इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, यहाँ पे देखा हमने पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी अप्लाई किया था, कोई दिक्कत नहीं, वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पर यहाँ पर क्यों फ्लो कर रहा था, क्योंकि हमने सर्किट को क्लोज कर दिया था, ये वायर कनेक्ट हो गए थे, करंट फ्लो हो गया था पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और ये हमारा जो बल्ब था ये ग्लो करने लगा था, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। एक बार डेफिनेशन देख लेते डायरेक्ट, जो भी है, कंटिन्यू कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ
कंसिस्टिंग ठीक है ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल ठीक है दोनों टर्मिनल ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आपने क्या लगा दिया स्विच लगा दिया ठीक है कहीं भी लगा दो ये स्विच को अगर आप उठा के यहाँ पे लगा दोगे ना जैसे इसको यहाँ पे लगा दिया आपने मान लो यहाँ पे ये आपने लगा दिया चलो ये लगा देते हैं ये लगा दिया आपने ठीक है अब यहाँ पे मान लिया कि आपने कंटिन्यू कर दिया कहीं पे भी लगा दो टर्मिनल के बीच में ये कंटिन्यू है मतलब क्या कि वो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया यहाँ से ये कंटिन्यू आ सकता है आपका पर यहाँ पे देखो जब तक पूरा पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जुड़ेगा तब तक कैसे क्या होगा ठीक है तो पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पे तो ब्रेक कर दिया ना आपने तो मतलब क्या कि यहाँ पे भी करंट फ्लो नहीं करेगा हाँ अगर इसको आप क्लोज कर दोगे ये लो तो ये हो गया भैया ये जुड़ गया मतलब चलेगा भैया चल देगा आपका लाइट ये लाइट जलने लगा ठीक है ये लाइट आपका जलने लगा ठीक तो ऐसी सब कहानी है ये हो गया टर्मिनल ये हो गया अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कॉल्ड सर्किट ठीक है ये हो गया हमारा सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट भी देख लिया था अब हम कुछ सिंबल्स देखेंगे ठीक है जैसे ये हुआ था हमने क्लोज ओपन क्लोज स्विच का सिंबल देख लिया था बैटरी सेल का देख लिया था ऐसे ही सारे सिंबल एमीटर वोल्टमीटर मतलब वो भी आपने देख चुके वो भी आप देख चुके हो बहुत कम जो आपने नहीं देखे वो देखना है बस मतलब सारे दिखा दूंगा एक बार सारे कर लेंगे हम बाकी कुछ ही जो उसमें आपको 70% पता है ठीक तो अपन तैयार है पहले से ठीक है चलो सो अभी तक हमने पढ़ा बहुत बढ़िया बहुत शानदार पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट हमको पूरा समझ में आ गया अब इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या करते हैं कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं ऐसा तो नहीं है कि बल्ब अगर लगा रहे तो बल्ब को ही लाके पटक देंगे उसमें सर्किट में ऐसा तो नहीं है हम डायग्राम जब बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक समझने के लिए सिंबल्स की जरूरत पड़ती है ठीक है सिंबल्स हम अब देखेंगे ठीक है तो सिंबल्स देखने के लिए सबसे पहले आपको इसमें से करीब 70-80% पता ही है कि और आपको बाकी समझ में आ जाएंगे देखो सेल सबसे पहले आपको मैंने बता ही दिया था ठीक है एक छोटा रहता है एक बड़ा रहता है छोटे को हम नेगेटिव पॉइंट टर्मिनल बोलते हैं बड़े को पॉजिटिव इसका भी वोल्ट रहता है इसका जीरो वोल्ट रहता है मतलब ये तो बड़ी बातें हो गई है ठीक है आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है पॉजिटिव नेगेटिव फलाना फलाना बैटरी भैया बैटरी को देख लो एक से ज़्यादा बाबा दो सेल मिल जाए तो बैटरी बनती है देखो यहाँ पे क्या है एक सेल है यहाँ पे क्या है एक और एक दो मतलब जितने देख लो ये गिना करो अगर आपको कोई पूछ ले कि इसमें सेल कितने हैं तो ये गिना करो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के मतलब बड़ा छोटा एक एक सेल होती है ठीक है तो ये बड़ा छोटा एक सेल ये बड़ा छोटा एक सेल मतलब कितनी टोटल कितनी सेल हो गई दो सेल हो गई ठीक है कितनी सेल हो गई दो सेल तो ये दो सेल मतलब क्या एक बैटरी ठीक है दो सेल हो तीन सेल हो चार सेल हो बाबा पाँच सेल भी हो तो एक बैटरी होती है ठीक है ये सेल हुआ ये बैटरी हुआ खत्म कनेक्टिंग वायर सीधा वायर है कनेक्टिंग वायर है भैया पूरे इसमें जो वायर लगा देता वो है ठीक है एमीटर देख लिया था वोल्ट मीटर देख लिया था गैल्वेनोमीटर क्या होता है अरे बाबा गैल्वेनोमीटर होता है ये हम आगे पढ़ेंगे सिर्फ डिफ्लेक्शन शो करता है करंट का डिफ्लेक्शन शो करता है इसको अभी मत ध्यान रखो बस बना दिया इसको भी आपसे मैं सिर्फ परिचित करवा रहा हूँ इसको आगे पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप परिचित हो जाओ कि भैया मैंने बता दिया कि डिफ्लेक्शन को शो करता है क्या शो करता है डिफ्लेक्शन एमीटर मेजर करता है किसको करंट को वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है ठीक है भैया सेल देख लिया हमने बैटरी देख ली सेल और बैटरी का काम क्या है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना किसका काम है बैटरी और सेल का काम है कनेक्टिंग वायर ठीक है भैया इनका सबका काम भी देख लेते हैं साथ में ठीक है कनेक्टिंग वायर चाहिएगा तभी तो फ्लो होगा ठीक है वायर जॉइंट मेरी बात सुनो ऐसा अगर दिख जाए ना इसका मतलब क्या होता है सिंबल का कि आपके घर के बाहर से एक तार निकल रहा है आपने क्या करा बढ़िया तार को उसमें अपने अपने घर से एक तार लिया उसमें बढ़िया बांधा और करंट अंदर समझ रहे हो बात को तो ये आपने काम किया जॉइंट लगा दिया आपने और आपके घर के अंदर ले लिया करंट ठीक है ये हुआ वायर जॉइंट ठीक है अब एक तार जा रहा है उसके ऊपर से दूसरा तार निकल रहा है उसमें कोई जॉइंट नहीं लग रहा है साथ एक तार ये जा रहा है एक तार ऐसा निकल रहा है ठीक है तो ये बीच में इनमें कोई जॉइंट नहीं है कहीं से कहीं तक तो इसको ऊपर से ऐसे निकालेंगे तो क्या हुआ वायर क्रॉसिंग क्या होता है इसका मतलब वायर का क्रॉसिंग क्रॉस हुआ है सिर्फ वायर कोई जॉइंट नहीं लगा है कोई कनेक्शन नहीं है सिर्फ क्रॉस हुआ है ठीक है अब फिक्स्ड रेजिस्टेंस क्या होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस जो भी हम लगाते हैं ठीक है तो फिक्स जो रहते हैं वो और फिक्स्ड लिया है किस लिए क्योंकि वेरिएबल भी होता है वेरिएबल क्यों होता है वेरिएबल का एक बात जान लो वेरिएबल क्या रहता है कि आगे पढ़ेंगे पर ये बात सुनो कि वेरिएबल वेरी करता है वेरिएबल मतलब वेरी करना वेरी मतलब
क्या कि चेंज होना उसकी वैल्यू में। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज क्यों होती है, क्योंकि देखो करंट जो आता है तो फिक्स्ड तो आता नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, वोल्टेज अप डाउन होते रहता है, तो उन सबको मैनेज करते हुए एक रेजिस्टेंस भी बनाया। वेरिएबल क्यों बनाया, क्योंकि हमको हमारे अप्लायंसेस को, हमारे जो बल्ब है, हमारे ट्यूबलाइट, हमारा फैन है, इन सबको बचाना रहता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर हमको इस चीज़ का डर है वहाँ पर हम लगाते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, कि बहुत ज़्यादा करंट आया तो रेजिस्टेंस भी अपने आप को थोड़ा सा वेरी करके एक पर्टिकुलर रेंज तक ऊपर ले जा सकता है, जिससे वो करंट को थोड़ा रोक सके और हमारे अप्लायंसेस बच सके। इस तरीके से उसका यूज होता है। अगर कम जा रहा है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होगा कि रेजिस्टेंस कम होगा ताकि करंट ज़्यादा ज़्यादा फ्लो हो सके, क्योंकि करंट ही कम आ रहा है तो क्या होगा, ठीक है। तो अप्लायंसेस के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है अपने आप को वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको अभी तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वैसे तो पूरा ही बता दिया आपको मैंने, बाकी अभी है नहीं अपने को फिलहाल, ठीक है। तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, फिक्स्ड लिखा था आप उलझ जाते, इसलिए मैंने वेरिएबल भी बना दिया यहाँ पे, कि फिक्स्ड रेजिस्टेंस ये होता है, वेरिएबल ये होता है। गैल्वेनोमीटर पता ही है, डिफ्लेक्शन बताता है करंट का, बस इसको हम पढ़ेंगे आगे। ये आपको दी एक फ्रेम, ठीक है। ओपन स्विच आपको पता ही है, ओपन स्विच मतलब यहाँ बीच में डॉट नहीं आता, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो कि ये दो कनेक्ट नहीं रहते, ये दो कनेक्ट नहीं रहते। जैसे देखो क्लोज में ये दोनों कनेक्ट है ना, ये दोनों कनेक्ट हैं क्लोज में, ठीक है। ओपन में ये कनेक्ट नहीं रहते, या फिर बीच में डॉट नहीं रहता, इसमें बीच में डॉट रहता है, या फिर ये दोनों कनेक्ट रहते हैं, क्लोज हुआ या ओपन हुआ। ओपन मतलब क्या, सर्किट को आपने अभी ब्रेक करा हुआ है। क्लोज मतलब क्या, सर्किट को आपने कंप्लीट करा हुआ है, करंट का फ्लो हो सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब लास्ट वन इज बल्ब। भैया बल्ब को मैंने तो पेड़ बना दिया था, ये पेड़ बाबू गलत है, ये पेड़ नहीं बनाने का, अरे बाबा ऐसा बनाने का ऐसा, या फिर ऐसा करके ऐसा बनाएगा, ठीक है। तो ये हुआ बल्ब, बस खत्म, और क्या, इतने सिंबल है इसमें सब पता है आपको, ठीक है। सो दिक्कत नहीं है, बैटरी सेल का काम आपको पता है, ठीक, ये पता चल गया। अपना जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी काम पता चल गया आपको, गैल्वेनोमीटर काम पता चल गया, इनका तो कोई काम ही नहीं, ये आपने चोरी कर ली करंट, ठीक है। उसके बाद ये देख लिया, सारी चीज़ें देख ली है, ये करंट जो आपने चोरी किया है ना, ये भी पढ़ेंगे अपन, बहुत मज़ेदार है वो भी, ठीक है, बड़ा मज़ा आने वाला है उसमें भी आपको। सो आज के लिए इतना ही, अब बाकी आगे का पढ़ेंगे कल। थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।